विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पूरे एशिया पर कब्जा करना चाहता था, जिसका पश्चिमी हिस्सा कुछ हद तक अमेरिका के कब्जे में था, उसका उत्तरी भाग सोवियत संघ के पास और कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। जापान उस समय बुरी तरह से एशिया पर कब्जा करना चाहता था और इसके चलते उसने जगह जगह कई हमले किए और इन सब के चलते जापान के पास संसाधनों की कमी होने लगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पेट्रोल, जिसे इंपोर्ट करने के लिए उसे अमेरिका के भरोसे रहना पड़ता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान अमेरिका को आत्मसमर्पण न करते हुए भारी नुकसान पहुंचा रहा था, जंग में उतरे अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन, तब हुआ विश्व में पहला और आखिरी न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमला, जिसमें इन दोनों बमों ने मिलकर करीब 286,000 जापानी रहवासियों और जवानों को मार डाला। ऐसा मौत का मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा था। बम गिरने की जगह से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह हो गया था, ना कोई बिल्डिंग, ना पुल, ना पेड़ पौधे, यहां तक कि लोगों की चमड़ी जलकर टपकने लगी थी। माना जाता है कुछ 10,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी उस बम के फटने से वहां फैल गई थी, जिसकी वजह से बम गिरने के करीब एक मिनट में ही 70% लोग मारे गए थे। चारों ओर लाशों के ढेर, पूरा शहर कब्रिस्तान में बदल चुका था, जिंदा लाशों का कब्रिस्तान, और दूर दूर तक जहरीली गैस फैल चुकी थी। ऐसा जापान के एक हिस्से में नहीं बल्कि दो हिस्सों में हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर एटम बम के विस्फोट का हर्जाना आज भी वहां के लोग चुका रहे हैं। वहां पर आज भी रेडिएशन की वजह से कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां लोगों के डीएनए में घर कर गई हैं। बम के गिरने के घंटों बाद तक मदद करने के लिए कोई वहां पर नहीं आ पाया, क्योंकि सारे डॉक्टर और मदद कर्मी खुद इस बम की चपेट में आ गए थे। संसाधनों के साथ जापान को काफी ज्यादा जनहानि भी हुई। जापान की हालत पहले ही खराब थी, इतनी जनहानि होने के बाद वो अब इतना सहमा हुआ था और कमजोर था कि उसके बाद जापान को जंग में अपने घुटने टेक देने पड़े। इस जंग में कैसे आए लिटिल मैन और फैट बॉय, कैसे उन्होंने इतने लोगों की जानें ले ली, और न्यूक्लियर अटैक यहां कैसे शुरू हुआ, तो आइए जानते हैं। 5 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। देर रात 9:27 और 12:25 पर चारों ओर सायरन का साउंड गूंज उठा। ये सायरन चेतावनी का सायरन था, जिसका मतलब था कि दुश्मन के हवाई जहाज सर पर है। कुछ देर बाद सभी को मालूम पड़ता है कि ये अलार्म गलत है और सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। सुबह 7:09 का समय फिर से सायरन शहर में सुनाई दिए, सभी को चेतावनी देते हुए कि दुश्मन के जंगी जहाज फिर हवा में दिखाई दिए हैं। सिर्फ एक जहाज देखा जा सकता था, ये अमेरिकी सेना का जहाज था जो कि शहर का मुआयना करने आया था, और वहां का मौसम बम गिराने के हिसाब से सही है या नहीं। लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे जहाज उस समय आसमान में देखे जाना काफी आम बात हो चुकी थी। लोग वापस अपने अपने काम पर लौट गए। सुबह 7:31 पर अलार्म बजना बंद हो गया, इसका मतलब ये था कि वो जहाज उस शहर के रडार से दूर जा चुका है। अलार्म के बिल्कुल ही बंद हो जाने के बाद लोग उस बात को भूल चुके थे। हिरोशिमा शहर का माहौल और सुबह उतना ही साधारण थे जितना साधारण वो किसी आम दिन होते। दुकानों पर फल और सब्जियां बिकी जा रही थी, बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे, कोई आदमी जल्दबाजी में अपना सामान भूलकर ऑफिस जाने के लिए निकल चुका था। सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो चुके थे। आसमान बिल्कुल नीला और साफ, हिरोशिमा में अगस्त का एक गर्म दिन। सुबह के 8:15 तभी एक और B-29 हवाई जहाज हिरोशिमा के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई दिया। साफ आसमान और चमकते सूरज के आगे चांदी के जैसा चमकता हुआ वो हवाई जहाज हिरोशिमा के आसमान को घेरे हुए था।
लोगों ने उसे बिल्कुल साधारण नजरों से देखा। कुछ लोगों का तो ध्यान भी नहीं गया। इस बार कोई अलार्म नहीं बजा, किसी को कोई चेतावनी नहीं दी गई। ये कोई साधारण अमेरिकी जंगी जहाज नहीं था जो कि भेजा जाता था संदेश पहुंचाने या डर फैलाने के लिए। बोइंग B-29 जिसका नाम था इनोला के, जो समय के प्रोपेलर हवाई जहाज़ों में सबसे आधुनिक जहाज था, जो कि बम लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उस समय जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने जापान में एटम बम फेंकने के लिए किया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। कुल 3 जहाज उस समय बम गिराने के लिए वहां पर भेजे गए थे। एक जहाज बम को ले जाने के लिए, दूसरा बम को ले जा रहे जहाज की सुरक्षा के लिए, और तीसरा सिर्फ उस मंजर को कैमरे में कैद करने के लिए भेजे गए। इन तीनों हवाई जहाजों में अमूमन 12 लोग सवार थे। किसी भी साधारण हवाई जहाज की तरह ये तीनों भी कंट्रोल रूम से जुड़े हुए थे, जहां से उन्हें पूरे समय आदेश मिल रहे थे। इस मिशन में हवाई जहाज में आए लोगों को इस बम और इस मिशन के बारे में काफी कम जानकारी थी। इस मिशन को लीड कर रहे थे पॉल टिबेट्स, जिन्हें हिरोशिमा की बाउंड्री में आते ही निर्देश मिले कि वो अपनी सेफ्टी गॉगल्स लगा लें, और तभी जापान ने उन हवाई जहाज़ों को रडार में एकदम हिरोशिमा की बाउंड्री में घुसते हुए पाया। पर सब कुछ जापान के लिए इतना जल्दी हो रहा था कि उसका ये समझ पाना नामुमकिन था कि उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत इस तरह आने वाली है, वो भी इतनी सारी तबाही के साथ। और जापान के पास ईंधन की इतनी कमी थी कि वो उन हवाई जहाज़ों को मार गिराने के लिए लड़ाकू विमान भी नहीं भेज सकता था। अमेरिका के बेस से उन्हें ये निर्देश मिले थे कि उन्हें ये बम AIOI ब्रिज पर गिराना है। 4 टन वजनी एटम बम लिटिल बॉय को गिराने के 1 सेकंड पहले पायलट पॉल टिबेट्स के मन में आया, बम गिराने के बाद वहाँ पर कितने सारे लोग मारे जाएंगे जिनका इस जंग में मारे जाने से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग तो सिपाही भी नहीं हैं। अमेरिका के बेस से बढ़ते प्रेशर के चलते उन्होंने वो बम गिरा तो दिया, लेकिन सही गलत के बारे में सोचते हुए कुछ इतनी देर हो गई थी कि वो बम उसकी चुनी हुई जगह पर नहीं गिरा, बल्कि गिरा कहीं और।